हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिशंकर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं जीविका से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। प्लीज़ अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को इसी तरह से आप लोग को जीविका से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। और ये अभी क्वेश्चन आप लोग को मैं सब्जेक्टिव के तौर पर बता रहा हूँ, इसी से आपको रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। तो चलिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। पंचसूत्रा एवं शतसूत्रा को लिखे, ये तो सब्जेक्टिव है, लेकिन आप लोग को वहाँ पे पूछेगा पंचसूत्रा कितने प्रकार के होते हैं, शतसूत्रा कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद देख रहे हैं हम निरस्तीकरण प्रविष्टि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में विस्तार से समझाएं। उसके बाद कह रहा है प्राप्ति विपत्र एवं भुगतान विपत्र क्या है, निम्नलिखित एक की परिभाषा लिखें। रोकर बही, आय व्यय, संपत्ति और दायित्व। ऋण पुस्तिका को परिभाषित करें एवं इसकी उपयोगिता का वर्णन करें। जीविका परियोजना के विषय में आप क्या जानते हैं एवं परियोजना के उद्देश्य के बारे में लिखें। प्राप्ति भुगतान क्यों तैयार किया जाता है, इसे तैयार करने का आधार क्या है, लेखांकन क्या है, इसका महत्व बताएं। बचत पुस्तिका के परिभाषा एवं महत्व बताएं। ये भी बताएं कि आज की बचत एवं संचयी बचत क्या है अंतर। MIS ट्रांजेक्शन शीट से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है। ग्राम संगठन की बैठक प्रक्रिया का एजेंडा का वर्णन करें, वहाँ पे बताया जाएगा कि ग्राम संगठन में किन किन एजेंडाओं पे चर्चा करते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ, सब्जेक्टिव है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार का सवाल आएगा। आगे चलिए, इसका पूरी वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह का आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे देखिए आप कह रहा है व्यवहारिक सवाल, रोकर बही बनाएं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव है, इसलिए रोकर बही बनाना पड़ेगा, लेकिन रोकर बही का क्या उद्देश्य है वहाँ पे आप लोग को पूछेगा। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में लेन देन की रोकर बही में लिखें। दिनांक इतना को चावल, 4000 KG चावल की खरीदारी हुआ, ये सब आपको वहाँ पे डाटा करना पड़ेगा। लेकिन ये तो सब्जेक्टिव है, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस टाइप से आएगा, लेकिन इसी टाइप से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। जब तक आप लोग इसको पूरी तरह से नहीं देखते हैं, तब तक आप लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। पर में लिखा हुआ निम्नलिखित समूहों को उधार चावल बेचा गया, इसकी एंट्री देखिए किस प्रकार से किया हुआ है, और इसको आपको कैशबुक में कैसे एंट्री करना है। ये तो सब्जेक्टिव है, तो आप लोग खुद जानते होंगे। और उसके बाद जो देख रहे हैं, दिनांक इतना को लेखन सामग्री खर्च हुआ, इसको आप कैसे एंट्री कीजिएगा। रोकर बही में आप जो खर्च होता है किसी सामग्री में, उसको किस साइड लिखा जाता है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित समूहों के नगद ICF वापसी की, जो नगद जो दिए पैसा, वो जो ICF जो वापसी की है दीदी, उसको किस रोकर बही के किस साइड में लिखा जाता है। अब उसमें नीचे दिख रहे हैं 15/4/2015 को 7000 बैंक में जमा किया गया था, ये पैसा जमा करने के बाद रोकर बही में किस साइड लिखा जाएगा और इसका एंट्री कौन सा होगा। उसके बाद नीचे देख रहे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न के आधार पर ऋण पुस्तिका बनाए, दिनांक 1/4/2016 को, जैसे कोई बीओ का नाम लीजिए, SHG को इतना रुपया दिया गया जिसके अगले माह के 5 बराबर किस्तों में वापस करना है। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और इसी क्वेश्चन पे आप लोग को कई आधारित क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि मान के चलिए किसी दीदी, किसी बीओ से किसी SHG को हम 10,000 रुपया ऋण दिए, तो इसका देख रहे हैं को खो गो घो अंग 5 किस्त बनाया हुआ है। पहला क्वेश्चन में है जो इतना हम ऋण दिए, कह रहा है हम 5 किस्त में वापस करेंगे, तो को खो गो घो अंग चो तक 5वां किस्त बनाया हुआ है। पहले माह में कुछ भी वापस नहीं की, फिर कह रहा है दूसरे माह में सिर्फ ब्याज की वापसी हुई, तीसरे माह
तीसरे माह मांग के अनुसार वापसी हुई, चौथे माह सिर्फ 100 रुपये की वापसी हुई, पांचवें माह मांग के अनुसार वापसी की गई। पांचवा माह का किस्त था लेकिन पांचवें माह के मांग के अनुसार, मतलब पूरी जो जितनी मूलधन हो रही थी उतनी प्लस जितनी ब्याज हुई पूरी पूरी उसने वापिस की। इसी टाइप से आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान कर चलो वहाँ पे किसी एसएजी ने किसी दीदी को दिया 2000 रुपया, दीदी ने बोला कि हम 2000 रुपया दो ही किस्त में लौटा देंगे। आप यहाँ पे उसको बना दिए दो किस्त और यहाँ पे आपको आंसर में रहेगा कि दीदी को हमने 2000 रुपया दिए, वो बोला कि दो किस्त में हम वापसी करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में रहेगा कि पहला इसका दूसरा मांग मूलधन ब्याज क्या होगा, दूसरा मूलधन मांग ब्याज क्या होगा, उसके हिसाब से आपको बनाना है। तो प्लीज अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। पुनः मैं आप लोगों के लिए इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो लेके आऊँगा, तब तक इस वीडियो को आप लोग शेयर और लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।